गाइस, जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरे को डॉग्स से बहुत प्यार है। डॉग्स का सभी एनिमल से प्यार है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हो या मेरी स्कूबी हो, खुद तो ये भेदभाव कुछ नहीं है। तो काजल एक स्ट्रीट डॉग है और उसका बेबी आया, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो देखो देखो, वो पीछे स्कूबी है और ये देखो, ये देखो अरे अरे अरे। गाइस फिलहाल अभी मैं साइकिल पे बैठा हूँ, पता है किसके पीछे बैठा हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैं गाइस मेरे पीछे बैठा है, मैं साइकिलिंग करने आया था, मेरे को पद्दी लगवा रहा है मेरी, थक गया है बहुत। मैं चला रहा है साइकिल, हैवी ड्राइवर। गाइस मैंने इन सबको पीछे छोड़ दिया था, बड़ा आगे जाने दे रहा हूँ। अरे घुस जाएंगे, क्या कर रहा है भाई, आराम से भाई, थोड़ी हेडलाइट फूक गई है ना। हाँ दे रहा है। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और बाल मैंने बहुत छोटे करा लिए, आई होप मैं थोड़ा ठीक ठाक लग रहा हूँ। अब व्लॉग्स जो है, मैं आपको मेन बताऊँ कि ये इलेक्शन होने वाले हैं, आप सभी को पता है। तो मेयर और पार्षद के इलेक्शन होने वाले हैं, पार्षद मतलब कॉरपोरेटर के। तो आज क्या है कुर्ता लेने जा रहा हूँ उनका। किसका कुर्ता लेने जा रहे हो? जय गुरुदेव वाली ताई का। किधर गिरा है? दादी के रास्ते। हाँ तो मैं कह रहा था, अबे मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, तू जा। हाँ तो मैं ये कह रहा था, तो आज पूरे दिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इलेक्शन बस 11 तारीख के और आज है 6, पूरे दिन क्या होने वाला है। बहुत भाग दौड़ मची रहती है। और अभी एक कारीगर को भी बुलाया गया है, क्योंकि जो पापा के साथ लोग लगे रहते हैं पर्सनली, उन लोग को खाना पीना खिलाना होता है और हर जगह घूमना वूमना होता है। तो सब कुछ इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल अभी खाने वाले भैया आए हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत सामान वामान देना है, मैं दिखाता हूँ आपको भैया को। बनेगा सारा सामान और ये रूम है, इसमें सब सामान रखा है, निकाल वो ले लो आप। साले आपको लगे आप निकाल दो आराम से, फिर चल के बनाते हैं। जय भोले बाबा की। गाइस ये चल रही है तैयारी मछली और सेव बनने की। हे गाइस, सो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और घर पे मम्मी ने बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनाई है, तो मैंने सोचा कि मैं मार्केट जाके मैगी लाके वो ही क्यों ना खा लूं। आर यू कॉमेडी मी? समझ गए होगे आपकी मम्मी ने घर पे टिंडे बनाए हैं। कोई नहीं, मैगी बनाते हैं और मैगी खाएंगे। अरे वो बाइक निकाल के लेके जा रहा है भुर्र से। मैंने प्याज भी छील लिया है थोड़ा। गाइस फाइनली मैगी बन गई है, भूख बहुत तेज लग रही है, खाते हैं आराम से। मैंने थोड़ी ली है बस थोड़ी। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं इतनी जल्दी इसलिए उठा हूँ क्योंकि हम मतलब पापा से मिलने आ रहे हैं मंत्री जी, तो जल्दी उठना पड़ा। अब वो मिलने आ रहे हैं तो वो तो शायद 4:30 बजे या 4 बजे उठे होंगे। हम तो अभी मैं तो जस्ट अभी अभी उठ के रेडी होके मूड होया। मैं नहाया नहीं, मैंने जस्ट फेस वॉश किया, फटाफट सारा काम करते हैं फिर चलते हैं, वो आने वाले हैं। अच्छा सर, ये आपके मिल गए डोर बाय डोर। आप सबसे पूछ लो, दिन में दो दो तीन तीन बार आते, एक बार भी नहीं आती एक बार में। संतोष गंगवार जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए आइए, धन्यवाद लीजिए भाई, इनका फोटो खींच ले यार। जी यहाँ से कितने लोग ले जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े बैनर लगवाने पिताजी के पूरे वार्ड में। गाइस फिलहाल अभी मैं आया हूँ बैनर लगवाने, गर्मी में धूप बहुत है और मैं अभी भी लगवा ही रहा हूँ बैनर।
हे गाइस, तो जो बर्फी बनवाई थी हम लोगों ने वो अभी सूख गई है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये ड्राई हो गई है। सो इसे कट करते हैं, देखते हैं मतलब ये कैसे टेस्ट में। लेट्स टेस्ट इट। और मैं इसे कट करूँगा क्योंकि तो जो हमारे कारीगर थे वो आ नहीं पाए और मैं ही कट करने वाला हूँ इसे। तो कट करते हैं, समझ गए? ये सब घी है। चल मैं पता, पहले पूरा बीच से काटना है। पहले बीच से काट। तो ये तो मैं, ये तुमने बीच से क्या है? ये बीच की तो लाइन है, मतलब यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पे लाइन खींच एक। अरे तो कितना कितना, इतनी पतली नहीं करनी है। हाँ। अरे इतनी स्पीड में नहीं, खराब हो जाएंगे आराम आराम से। सॉरी सॉरी मम्मी सॉरी। आराम से करो, थोड़ा लिटा लो छुरी को। हाँ ऐसे करो, इससे क्या होगा? अभी तुम पूरा काटो, पता चलेगा इससे क्या होगा। ये तुम्हारा ये जो उठा उठा आया ये नहीं आया इससे। ये तुम लेने दो, पकड़ो जाओ यार। मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तब एक मेरी डॉग है स्कूबी, एक है जैकी जो स्ट्रीट डॉग है। जैकी के बेबी का नाम मैंने सोचा यार मैं क्या रखूँ, तो एक आंटी से रूबी रूबी बुलाती है, छोटी सी है, छोटी सी मतलब बच्ची है, तो मैं भी उसे रूबी बनाने लगा। रूबी इज अ क्यूट नेम, मतलब किसी के लिए पर्सनल मत लेना, बट ऐसी वो बुलाई थी। तो रूबी को कुछ खिलाते हैं, रूबी बाहर है उसे कुछ खिलाते हैं एंड देन खुद भी कुछ खाते हैं। फिर से भूख लग रही है यार, खस्ता खाने के बाद भी। लेट्स गो। अरे अरे क्या बात, अरे अरे हरी 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 इग्नोर करके जा रहा है, देखियो। अरे ओए ओए और रूबी ओए चला गया। खाओगे? हाँ जी। और जी ये विक्स की गोली है, ठंडी होती है। हाँ विक्स की गोली है ये, दे दो यार इसे आप। एक जी एक ये दो ले रहा है, एक ही तो देता हूँ मैं। हाँ सेम है सेम है, चलो जाओ। हे गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। और पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैंने सुबह से बहुत काम किया है, मैं भागा दौड़ी की है, मतलब मार्केट वार्केट गया हूँ, बहुत सामान लाया हूँ और बहुत काम किया। मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाऊंगा बट व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला मेरे को। आप समझो कि मतलब लोगों को पानी पिलाना और फिर काम करना, खाना लाना, सामान लाना, सब कुछ किया है बट टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। अभी भी मैं पार्टी की रैली से आ रहा हूँ, उसकी कुछ वीडियोज़ मेरे पास है तो मैं वो आगे व्लॉग में डाल दूंगा। और मतलब बहुत काम किया, अच्छा व्लॉग बनता ही है अगर मैं शूट कर पाता, और मेरे को शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो फिलहाल अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और रूम में हूँ, चेंज करने आया हूँ क्योंकि 5 बज गए हैं, थक बहुत ज़्यादा गया हूँ चल फिर के। और अभी वीडियो अपलोड करूँगा इंस्टाग्राम पर।